नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अनएकेडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अनएकेडमी अभियान पर जहां पर हम यूनिट नाइन को पढ़ रहे हैं दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है अनएकेडमी अभियान के नाम से सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं तो प्लीज़ हमारे इस टेलीग्राम चैनल अनएकेडमी अभियान को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर के ऐट द रेट शुभम गुप्ता PDF भी आप सर्च कर सकते हैं और वहां से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको पी और लेक्चर का लिंक दोनों चीजें एक जगह पर मिल सकें एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं अनकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाता हूं और वहां पर जो मेरी क्लासेस होती हैं वो एम पी पी एस सी मेन्स दो के लिए होती हैं मुख्य परीक्षा के लिए सारी क्लासेस होती हैं अभी क्लासेस बंद हैं क्योंकि प्रिलिम्स आ गया है तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ लेकिन 16 अप्रैल से मुख्य परीक्षा की कक्षाएं एक बार फिर से अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर शुरू हो जाएंगी दोस्तों ये वो विषय हैं जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं पेपर फोर पेपर फाइव इंडियन पॉलिटी वर्ल्ड जोग्राफी जियोलॉजी वाटर मैनेजमेंट इन टॉपिक्स को मैं पूरा का पूरा कवर करवा चुका हूं तो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों 2021 मतलब कि ये जो साल चल रहा है 16 अप्रैल से मेरी क्लासेस फिर शुरू हो जाएंगी और 16 अप्रैल से लेकर के 2020 की मुख्य परीक्षा से पहले मैं इंडियन जोग्राफी ऐसे राइटिंग इकोनॉमी केस स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी और इन्वायरमेंट इतने के कवर करवा दूंगा 2020 की मुख्य परीक्षा से पहले ठीक है तो प्लीज आप दो साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ताकि आपको सारी चीजें मिल जाए वहां पर जो क्लासेस होंगी वो बायलिंगुअल होंगी जेन्युन इंग्लिश आपको देखने के लिए मिलेगी एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वहाँ पर जितनी भी क्लासेस होंगी वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर हम आगे बढ़ाएंगे प्रश्न और उत्तर के रूप में पूरी की पूरी कक्षाएं ली जाएंगी तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के अन अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एम पी एंड व्यापम के गोल को सिलेक्ट कीजिए जैसे ही आप ये गोल सेलेक्ट करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और दोस्तों ये एक पेमेंट स्लाइड आपके सामने खुल जाएगी जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एक साल का या दो साल का क्लिक कीजिए और यहाँ पर मेरा कोड एस जी लाइव इस्तेमाल करें ये रेफरल कोड है जैसे ही आप एस जी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा 10 परसेंट का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा ये डिस्काउंट ना सिर्फ अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा लेकिन अगर आप अन अकेडमी की कोई स्पेशल क्लास भी देखना चाहते हैं तो वहां भी आप मेरा कोड एस जी लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों ठीक है चलिए तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं प्लीज़ मेरा कोड जरूर याद रखिएगा एस जी लाइव चलिए दोस्तों तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का टॉपिक और इस सीरीज़ का तीसरा टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट दोस्तों ये टॉपिक देखने में जितना आसान लग रहा था मुझे और शायद आप लोगों को भी लेकिन पिछले दो दिनों में मुझे पता पड़ा है कि इसके कितने सारे डायमेंशन हैं और इसको बनाना सच बताऊँ बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा है दो तीन बातें मैं अभी क्लियर कर दूँ कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक कवर करें लेकिन इस लेक्चर के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा है और एक वीडियो में मैं इसे पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा तो आज हम इसका एक पार्ट लेकर के आएंगे और कल हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे तो इंटरनेट का जो टॉपिक है वो हम दो भागों में कवर करने वाले हैं तरीका वही रहेगा पढ़ने का सबसे पहले हम आयाम की बात करेंगे और फिर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आखिरी में हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इंटरनेट के कितने आयाम हैं कितने डायमेंशन हैं हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट ही वही एक चीज है जिसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेट ही 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है तो इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेट के माध्यम से ही आज दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है आप और हम आज मिल पा रहे हैं और इस तरह से एजुकेशन कर पा रहे हैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इंटरनेट की उपलब्धता अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट तो इसी टॉपिक को हमें आज पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कोशिश यही रहेगी कि हर एक डायमेंशन को हम कवर करें कोई भी डायमेंशन छूट ना पाए और प्रश्न यहीं से आए ऐसा हम दुआ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों कुल हमें 16 आयाम पढ़ने हैं टोटल हमें 16 डायमेंशन इस टॉपिक के डिस्कस करने हैं 16 आयाम हैं आज की क्लास में हम चार या पांच आयामों की बात करेंगे और कल की क्लास में हम बचे हुए आयामों को डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का एक परिचय लेंगे इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है डेफिनेशन क्या होती है इंटरनेट को का महत्व क्या है इन बातों पे हम चर्चा करेंगे फिर दूसरा पॉइंट रहेगा पृष्ठभूमि बैकग्राउंड और हमेशा से आप जानते हैं कि बैकग्राउंड में हम ये पढ़ते हैं कि इंटरनेट का इतिहास कैसा रहा इंटरनेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ कैसे अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपारनाट नाम का एक नेटवर्क बनाया वहां से ग्रेजुअली इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ 1989 में टिम बर्नस्टी ने डब्लू डब्ल्यू का आविष्कार किया आगे करके टिम ने HTML का आविष्कार किया और इंटरनेट आगे बढ़ता चला गया और अब जबकि हम 2021 में आ चुके हैं इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल चुका है दोस्तों बदल नहीं रहा है बदल चुका है ठीक है फिर तीसरे टॉपिक में हमें कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करना होगा इंटरनेट को समझने से पहले क्योंकि इंटरनेट का मतलब ही होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये नेटवर्कों का एक नेटवर्क है इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है अंतरजाल शब्द का मतलब यहाँ पर यही होता है कि यह एक बहुत ही ज़्यादा जटिल नेटवर्क की प्रणाली है या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का सिस्टम है और पूरी दुनिया के कंप्यूटर और अब चूँकि मोबाइल डिवाइसेस भी आ चुके हैं तो पूरी दुनिया की ऐसी डिवाइसेस जो जिसमें कनेक्टिविटी होती है उन सबको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा सकता है तो यह एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो उसको समझने से पहले हमें कंप्यूटर नेटवर्क को समझना होगा जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है वाइड एरिया नेटवर्क आता है होम एरिया नेटवर्क आता है वायरलेस एरिया नेटवर्क आता है इन सब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आता है इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे फिर दोस्तों हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करनी होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली इंटरनेट के नियम होते हैं क्योंकि इंटरनेट में हम सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं तो किस प्रकार इंटरनेट काम करेगा इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं इन्हीं नियमों को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है और इसी में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में जैसे अभी आईपी फोर चल रहा था अब आईपी एड्रेस का वर्जन सिक्स आ चुका है तो आईपी और आईपी के बारे में बात करेंगे उसके अलावा दूसरे भी प्रोटोकॉल होते हैं कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल्स के बारे में हम बात करेंगे जैसे एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और भी प्रोटो टेल नेट होता है ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे फिर दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट एड्रेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेट एड्रेस में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब आप एक वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट खोलते समय काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं सबसे पहले आपको एच देखने के लिए मिलता है कुछ वेबसाइट में एच टी टी पी एस देखने के लिए मिलता है फिर एक कॉलन टाइप का देखने के लिए मिलता है उसके बाद डब्लू 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 लिखा रहता है फिर वेबसाइट का जो नाम होता है किसी भी कंपनी या वेबसाइट का नाम लिखा रहता है फिर पीछे डॉट कॉम डॉट इन डॉट जी ये सारी चीज़ें होती हैं तो इस पूरी बात को हम समझेंगे कि इनको क्या बोलते हैं और यहीं पर हम यू को समझेंगे डोमेन और डोमेन ठीक है डोमेन को समझेंगे कि डोमेन क्या होता है यू क्या होता है www क्या होता है इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे सर्वर के बारे में भी बात करेंगे कि सर्वर क्या होता है दोस्तों फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे और इंटरनेट कनेक्शन के प्रमुख प्रकारों को पढ़ेंगे मेजर टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे अभी तो फिलहाल हम ब्रॉडबैंड का ही यूज़ करने लगे हैं सभी लोग जर्नली लेकिन शुरुआत हुई थी डायल अप कनेक्शन से तो डायल अप कनेक्शन क्या होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है वायरलेस ब्रॉडबैंड में भी बहुत सारे प्रकार आ गए हैं सबसे लेटेस्ट जो प्रकार आया है उसे लाइफाई कहा जाता है तो लाइफाई के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये इंटरनेट के कौन कौन से प्रकार हैं एक स्पेस इंटरनेट के बारे में भी आपने सुना होगा कि स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है इलन बस्क की उन्होंने स्पेस इंटरनेट वाले प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे तो यहीं पर इंटरनेट कनेक्शन के प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे फिर दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट के लिए जरूरी डिवाइस कौन कौन सी वो डिवाइस है जो इंटरनेट के लिए जरूरी होती हैं आप जानते हैं कि मॉडर्न बहुत जरूरी हालांकि अब तो मॉडर्न की उतनी जरूरत नहीं पड़ती बट स्टिल मॉडर्न एक डिवाइस हो गया दूसरा केबल अगर केबल की जरूरत तो वैसे भी पड़ेगी आपको केबल होती है केबल भी अलग अलग प्रकार की होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है तो केबलों के प्रकार वो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे तो यहां हम बात करेंगे इंटरनेट के लिए जरूरी उपकरणों की फिर हम बात करेंगे इंटरनेट के द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं की ठीक है इंटरनेट के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं हमको मिलती हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे ठीक है फिर दोस्तों इंटरनेट से कुछ शब्दावली जुड़ी होती हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जुड़ी होती हैं तो उन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे जैसे सर्फिंग क्या होता है ब्राउजिंग क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे ठीक है इसके बाद इंटरनेट से संबंधित प्रमुख संगठन मेजर इंटरनेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अब ये क्यों जरूरी है समझिए देखिए इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मालिक नहीं है इंटरनेट एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट आप समझ सकते हैं नेटवर्क है, है। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए और इसके नियमों का निर्धारण करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई जैसे टिम बर्नस ने डब्लू कंसोर्टियम करके एक संस्था शुरू में बनाई बाद में जा के एक इंटरनेट सोसाइटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी बनी तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई जिनके द्वारा आप इंटरनेट को रेगुलेट कर सकते हैं उसके बेहतर संचालन के लिए नियम बना सकते हैं कि कैसे इंटरनेट को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है भारत में ट्राई ये काम करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका ये प्रमुख काम है कि वो इन सबसे जुड़ी हुई बातों को देखता है जो एक सांविधिक निकाय है स्टैटुअरी बॉडी है ठीक है वो भी डिस्कस करेंगे फिर दोस्तों हमें इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट और इरनेट ये तीन शा... शब्द हैं नेट से मिलते-जुलते शब्द हैं तो हमें यह भी जानना होगा कि इंटरनेट और इंट्रानेट एक्सट्रानेट और इरनेट में क्या-क्या अंतर होता है इरनेट जो है वो भारत का एक एजुकेशनल नेटवर्क है और भारत में इंटरनेट की शुरुआत इरनेट के साथ ही हुई थी सबसे पहले एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को आपस में जोड़ने के लिए 1986 में इनेट का उपयोग किया गया था इंट्रानेट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क होता है जिसको कंपनी के कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से एक्सट्रानेट जब इंट्रानेट को पब्लिक नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो एक्स्ट्रा नेट कहलाता है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है फिर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे भारत में इंटरनेट बहुत छोटे तरीके से ज़्यादा इसमें हुआ नहीं है डेवलपमेंट तो बेसिक डिस्कस करेंगे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई कुछ इन बातों को हम जान लेंगे फिर दोस्तों हमें बात करनी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये टॉपिक आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये इसको भविष्य का इंटरनेट कहा जाता है इंटरनेट ऑफ फ्यूचर इसको कहा जाता है आने वाले समय में सारी चीजें कहा जा रहा है कि हर एक चीज जो कि स्विच ऑन और ऑफ हो सकती है उन सभी चीजों में सेंसर लगा दिए जाएंगे और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए अपने आप ही काम करेंगे आप घर पहुंचोगे आपकी घर की लाइट्स अपने आप जल जाएंगी कंप्यूटर अपने आप कुछ काम करने लगेगा सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी स्मार्ट हाउसेस बनने लगेंगे स्मार्ट कार बनने लगी हैं इन्हीं चीजों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाएगा दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नेट न्यूट्रलिटी ये टॉपिक भी 2018 16 से लेकर के 18 के बीच भारत में बहुत चर्चा में रहा पूरी दुनिया में ये टॉपिक पहले से चर्चा में था लेकिन भारत में ये टॉपिक और भी ज्यादा चर्चा में रहा जब कुछ वेबसाइटों पर आरोप लगाए गए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इडर जो इंटरनेट प्रदान करते हैं वह कुछ वेबसाइटों को प्रायोरिटी दे रहे हैं इस बारे में कुछ क्वेश्चंस लगाए गए तब ट्राई ने एक रेगुलरिटी जारी किया और ट्राई ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमें नेट को हर किसी के लिए एक समान रखना है और स्वतंत्र रखना है इसी को नेट न्यूट्रिलिटी कहा जा रहा है कि इंटरनेट कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा जो भी व्यक्ति इंटरनेट पर है उसको बराबर दर्जा दिया जाएगा इसी को नेट न्यूट्रिलिटी कहा जा रहा है फिर दोस्तों वेब ब्राउजर को डिस्कस करेंगे वेब ब्राउजर के साथ यहां पर हम समझेंगे कि वेबसाइट क्या होता है वेब पेज क्या होता है सर्च इंजन क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होते हैं इन चारों बातों को समझेंगे कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे कि गूगल एक सर्च इंजन था फिर उसने अपना एक ब्राउजर बनाया जिसे कहा जाता है गूगल क्रोम फिर डिस्कस करेंगे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर उससे पहले बिंग नाम का एक उनका सर्च इंजन था माइक्रोसॉफ्ट का उन्होंने बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया अभी एज करके एक ब्राउजर और बनाया है तो सर्च इंजन और ब्राउजर को हम ध्यान से समझेंगे ठीक है और आखिर में हम बात करेंगे दोस्तों ईमेल के बारे में और यहीं पर हम बात करेंगे कुछ अन्य तथ्यों की और अन्य तथ्यों में कुछ बातें आ जाएंगी जैसे कुछ अलग अलग तार के प्रकार हो जाएंगे वहीं हम कुछ करंट अफेयर्स में जैसे स्पेस इंटरनेट हो गया तो इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में हम बात करेंगे मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन की तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा लगभग हम सभी डायमेंशन कवर कर लेंगे मैं ये फिर भी नहीं कह रहा हूँ कि हमने सब कुछ पढ़ लिया पर मैंने कोशिश यही की है कि जितने भी पॉसिबल डायमेंशन हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं तो उनके कुछ कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूँ तो ये दोस्तों हमारा एक पूरा का पूरा आउटलाइन है इस तरीके से हम इंटरनेट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं आई रियली विश कि आपके दिमाग में अब एक छोटा सा एक खांचा बन चुका है और आपको पता चल चुका है कि किस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ाने वाले हैं ठीक है रेडी है फिर आप लोग शुरू किया जाए टॉपिक को चलिए दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट के परिचय की इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट की बात करते हैं ओके तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर इंटरनेट जिसे हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है जिसे हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है आखिरकार इसका मीनिंग क्या होता है यह पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है समझते हैं इस बात को देखिए दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी चीज शुरू से रही है सूचना इंफॉर्मेशन ये सबसे बड़ी चीज है और सूचना जो है सूचना के आदान प्रदान के लिए सूचना के आदान प्रदान के लिए हमेशा से इंसान ने अलग अलग तरीकों को अपनाया बहुत शुरुआत में एक इंसान ही होता था जो एक जगह से दूसरी जगह दूत बन करके एम्बेसडर बन करके के दिया करता था हमारी फिल्मों में कबूतर ने अच्छे से काम किया है दोस्तों कि कबूतर सूचनाएं लेकर के जाया करते थे फिर आगे जाकर के हम टेलीफोन वगैरह बनाने लगे कुछ और हमने रेडियो वगैरह का भी उपयोग किया लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग थी कि हम कैसे बड़ी बड़ी सूचनाओं को और बड़े बड़े डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने लगे तो इसी बात का समाधान निकालने के लिए इंटरनेट का आविष्कार किया गया सर अभी तो आपने ये बताया कि इंटरनेट क्यों बनाया गया लेकिन अब ये बताइए कि इंटरनेट क्या होता है दोस्तों इंटरनेट कुछ नहीं है नेटवर्कों का नेटवर्क है अर्थात बहुत सारे कंप्यूटर दुनिया में अलग अलग कंप्यूटर हैं और दुनिया के किसी भी कोने के कंप्यूटर को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है उसे ही इंटरनेट कहा जाता है बहुत सिंपल सी बात समझिएगा दुनिया में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज हैं जिसमें कंप्यूटर सबसे ज़्यादा है तो दुनिया के सभी कंप्यूटरों को या ऐसे किसी भी उपकरण को जिसमें इंटरनेट का प्रयोग हो सकता है को जोड़ने वाले नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है तो कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को जोड़ने वाला नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है दोस्तों ठीक है तो यही इसकी परिभाषा है कोई बड़ी परिभाषा नहीं है अगर कोई भी आपसे पूछे तो एक लाइन में आंसर कर देना कि दोस्त इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है बस इतनी बात याद रखना अब आप मुझे बताओ कि दुनिया भर में कितने सारे कंप्यूटर हैं और कितने सारे मोबाइल फोन हैं अरब में कंप्यूटर और मोबाइल फोन है और जब अरबों कंप्यूटर और मोबाइल फोन एक नेटवर्क के द्वारा जुड़ेंगे तो वो सिंपल नेटवर्क होगा या कॉम्प्लेक्स होगा तो आप कहोगे कि सर वो तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा वो तो एक जटिल नेटवर्क होगा क्योंकि वो बहुत सारी डिवाइसेस को जोड़ रहा है ठीक है तो इसीलिए इंटरनेट को एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी कहा जाता है जटिल नेटवर्क भी कहा जाता है अब दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है सर परिभाषा आपने क्लियर कर दी सर यह बताइए इंटरनेट शब्द आया कैसे इंटरनेट वर्ल्ड का ओरिजिन क्या है तो इसके बारे में दो अलग अलग थ्योरी दी गई है अगर आप दसवीं क्लास की एनसीआर की किताब पढ़ेंगे दसवीं क्लास में इंग्लिश मीडियम की एक किताब है आई करके टेंथ क्लास में चलती है दोस्तों तो दसवीं क्लास की एन में यह लिखा गया है कि इंटरनेट शब्द फेडरल नेटवर्किंग काउंसलिंग अमेरिका के द्वारा 1995 में दिया गया था द वर्ल्ड इंटरनेट वॉज गिवन फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल ऑफ अमेरिका दूसरे सोर्सेस को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि विंटन ग्री सैर्फ विंटन ग्रे सैर्फ जिन्हें इंटरनेट का पितामह कहा जाता है और बॉब खान इन दोनों ने मिलकर के इंटरनेट नाम के शब्द को, को किया था इंटरनेट नाम का शब्द दिया था तो यहां पर हमें क्या याद रखना है देखो ऑप्शन में अब तक कभी भी एफ एन सी नहीं आया है दो तीन बार यह सवाल अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है और प्रश्न इतना ही पूछा गया है कि इंटरनेट शब्द किसके द्वारा दिया है? का आंसर होता है विंटन ग्रे सर्फ तो विंटन ग्रे सर्फ ने दोस्तों इंटरनेट शब्द दिया था और उनके साथ सहायक थे बॉब तो दो बड़े काम किए कौन कौन से काम किए यहां पर, पर लिख लें इनका नाम लिख लेते हैं विंटन सर्फ का नाम लिख लेते हैं तो विंटन सर्फ ने दो बड़े काम किए पहला काम तो इन्होंने किया कि इंटरनेट शब्द का आविष्कार कर दिया वर्ड इंटरनेट इन्होंने क्वाइन कर दिया और दूसरा बड़ा काम क्या किया दोस्तों नेटवर्क को इंटरनेट को चलाने के लिए इन्होंने कुछ नियम बनाए कुछ नियम बनाए और उन नियमों को कहा गया टीसीपी क्या कहा गया दोस्तों टीसीपी आईपी नियम इन्होंने बनाए अब इंटरनेट का इन्होंने नाम भी दे दिया और इंटरनेट को चलाने के लिए इन्होंने प्रोटोकॉल भी बना दिए मतलब उस पर रिसर्च कर दी ठीक है तो इसी कारण दोस्तों विंट विंटन सेल्फ को कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट क्या कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है इंटरनेट का जनक कहा जाता है याद रखिएगा यह पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रश्न पूछा जाता है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है विंटन ग्रे सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है जिन्होंने इंटरनेट शब्द दिया था और साथ ही साथ इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे पहले जो प्रोटोकॉल बनाए गए जिसमें टीसीपी और आईपी शामिल है वह प्रोटोकॉल को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी ठीक है चलो सर ये भी क्लियर हो गया कि इंटरनेट नाम किसने दिया अब दो बातें और याद रखें दोस्तों कि एक छोटा सा प्रश्न भी पूछा जाता है कि इंटरनेट चूंकि अभी दुनिया में सबसे बड़ी चीज है और इंटरनेट ने ट्वेंटी सेंचुरी इक्कीसवीं सदी जिसमें हम लोग जी रहे हैं इतना ज्यादा प्रभावित किया है कि 21वीं सदी को सूचना की सदी कहा जाता है सूचना क्रांति सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन तो एक प्रश्न पूछा गया है एक प्रश्न आया हुआ है कि 21वीं सदी को कौन सी सदी कहा जाता है तो इसे सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की सेंचुरी कहा जाता है क्यों सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से क्योंकि इंटरनेट के कारण सूचनाओं का आदान प्रदान हद से ज़्यादा आसान हो चुका है एक समय था दोस्तों एक समय था पुराने जमाने में प्रेम पत्र लिखा करते थे वैलेंटाइन डे की बात है मतलब अजब ही चीज़ें हुआ करती थी एक प्रेम पत्र लिखा जा रहा है मैंने टीचर्स से पढ़ा है हमारे टीचर्स बताया करते थे कि बड़े बड़े प्रेम पत्र हम लोग लिखा करते थे जब उस ज़माने में प्रेम हुआ करता था बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत की बातें हुआ करती थी तो कितना मुश्किल है उसमें भी बहुत सारे रिस्क हैं कि बीच में पोस्टमैन ने अगर कुछ कर लिया पड़वड़ लिया घर घर पर बात चली गई ऐसा भी हो जाता बेचारा प्यार शुरू नहीं हो पाया उससे पहले ही ख़त्म हो गया क्योंकि पोस्टमैन ने जाके घर पर बता दिया तो ऐसे प्यार भी हुए हैं बीच में अब यही प्यार कितना आसान हो गया व्हाट्सएप पे एक लिख के भेजना है आई लव यू बाबू वहां से आ गया आई लव यू सोना आई लव यू जान ठीक है अच्छा लोग तो व्हाट्सअप पे काम करते हैं कुछ लोग तो कमेंट में ही काम कर रहे हैं कितना अच्छा मतलब उनको मज़ा आता कि अरे हाय शोना हाय अलग अलग नाम होते हैं हाय महिमा हाय गरिमा उनको ये भी नहीं पता कि वो सच में महिमा और गरिमा है या नहीं है लेकिन बेचारे अभी भी लगे हुए हैं कमेंट में कुछ लोग ठीक है उन्हें यह नहीं दिख रहा कि इंटरनेट क्या है तो उनके लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो गया देखिए यूट्यूब की चैट पर जहाँ पर एक एजुकेशन का चैनल चल रहा है वहां उनका वैलेंटाइन डे मना रहे हैं वो लोग तो अलग अलग प्रयोग हैं इंटरनेट के हैं कि नहीं तो सूचना होगी दोस्तों सूचना जल्दी पहुंचने लगी आई लव यू बाबू को पहले पहुंचने में दो तीन हफ्ते लग जाते थे अब वही बाबू सेकंड 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 में भी नहीं एक सेकंड का सेकंड का कुछ थोड़ा सा हिस्सा लगता है और आई लव यू बाबू पहुंच जाता है किस्मत अच्छी है तो आई लव यू टू जान लिख करके आ जाएगा और बाकी आप लोग तो है ही लगे हुए हैं व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में कोई बात नहीं इट अप चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला जो है इसी को याद रखिए कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति या सरकार का मालिकाना हक नहीं होता यह बात हमेशा याद रखना कि इंटरनेट इंटरनेट पर किसी का भी अधिकार नहीं है किसी की किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस पर रूल नहीं करती ये फ्री है और 21वीं सदी को सूचना क्रांति का युग कहा जाता है ट्वेंटी सेंचुरी को इरा ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कहा जाता है ठीक है तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने इंटरनेट की परिभाषा को डिस्कस किया बहुत सिंपल सी परिभाषा है इंटरनेट एक ऐसा जटिल नेटवर्क है जो कंप्यूटर या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है बहुत सिंपल बात क्लियर हो गई दूसरा हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट जो शब्द है वो विंटन ग्रे सर्फ के द्वारा दिया गया था साथ में बॉब खान भी शामिल थे विंटन ग्रे सर्फ जिन्होंने इंटरनेट शब्द दिया और इसी के साथ प्रारंभिक जो नियम थे इंटरनेट के जिनको प्रोटोकॉल कहा जाता है उनका निर्माण भी विंटेंस ग्रे ने किया था जिस कारण से उन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है इंटरनेट का पितामह कहा जाता है तीसरी बात हमने ये भी देखी कि इंटरनेट को इंटरनेट की वजह से जो 21वीं सदी है उसे सूचना की क्रांति की सदी कहा जाता है सेंचुरी आ, इरा ऑफ इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन कहा जाता है तो ये बातें दोस्तों हमने यहां से समझी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर आते हैं दोस्तों अच्छा ये समझिए जरा कि इंटरनेट काम कैसे करता है तो इंटरनेट में होता क्या है दो बातें यहां पे समझ लीजिए बड़ा आसान हो जाएगा मान लीजिए ये वो व्यक्ति है जिसने सूचना भेजना है ठीक है यहां से क्या हो रहा है सूचना भेजी जा रही है यहां से सूचना भेज रहे हैं इसको मान लेते हैं ये सेंडर है आसान भाषा में ये वो है जो लिख के भेज रहा है आई लव यू बाबू और ये वो है जो रिसीव करेगा ठीक है रिसीव मतलब क्या रिप्लाई करेगा वो हमें नहीं पता देख लेंगे अपन ठीक है तो यहां पर दोस्तों सूचना जाएगी कैसे अब जैसे इसने यहां पर लिख करके भेजा आई लव यू बाबू

सूचना के इन छोटे छोटे खंडों को ही क्या कहा जाता है इन्हीं को कहा जाता है पैकेट तो एक शब्द और आपसे पूछेगा दोस्तों वो कि इंटरनेट के द्वारा सूचना किस प्रकार भेजी जाती है या किस माध्यम से भेजी जाती है तो याद रखना दोस्तों वो पैकेट के माध्यम से भेजी जाती है ठीक है तो यहां पर जैसे ही हमने आई लव यू बाबू लिखा तो पहले वो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा और इन्हीं छोटे छोटे भागों को पैकेट कहा जाता है और फिर ये पैकेट अलग अलग मार्गों से होते हुए जाएंगे और फिर होस्ट के पास जाकर के मिल जाएंगे और इसके पास सूचना रिसीव हो जाएगी अगर किस्मत अच्छी है तो यहां से जवाब आ जाएगा आई लव यू टू वो भी इसी तरीके से होते हुए वापस यहां पर पहुंच जाएगा बस यही है इंटरनेट का मैकेनिज्म तो यही आप देखो नेटवर्क बहुत सारे हैं दोस्तों यहां पर और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में इंटरनेट काम करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं अब हमें डिस्कस करना है इसकी पृष्ठभूमि को बैकग्राउंड की हमें बात करनी है कि आखिरकार इंटरनेट बना कैसे एक एक स्टेप करते हुए टाइमलाइन के रूप में हम इंटरनेट को समझेंगे कि इंटरनेट का निर्माण कैसे हुआ और इंटरनेट भारत तक कैसे पहुंचा इस बारे में हमको बात करनी है तो देखिए दोस्तों सबसे पहला कदम जो उठाया गया वो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उठाया गया 1957 में देखिए 1957 या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी युद्ध को हमें जीतना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सूचना जल्दी से जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाए अब धीरे धीरे करके इन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि कैसे हमारे पास जो कंप्यूटर हैं या जो दूसरे उपकरण हैं कैसे हम उनको जोड़ें जैसे यहां पर एक कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर है तीसरा कंप्यूटर है तो इस बारे में अब रिसर्च होना शुरू हो गई कि कैसे हम इन कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं तो इसी बात पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है रक्षा विभाग है उसने 1957 में ए आर पी ए नाम की एक एजेंसी बनाई ए आर पी ए का फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है? तो ए आर पी ए नाम की अमेरिका ने एक एजेंसी बनाई और इसका एक ही उद्देश्य था कि यह पता करना कि कैसे हम कंप्यूटरों को जोड़ें कैसे उनके बीच में एक नेटवर्क करें दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया और पैकेट के माध्यम से पैकेट अभी अभी हमने आपको समझा दिया ये वो वाला पैकेट नहीं है दोस्तों ठीक है कंफ्यूज नहीं होंगे जुबा केसरी करने वाला पैकेट नहीं है ये इंटरनेट पर सूचना देने वाला पैकेट है तो पैकेट यहां पर आप समझ लीजिए कि पैकेट पे रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कैसे हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें वैज्ञानिक बहुत लंबे समय तक रिसर्च करते रहे रिसर्च करते करते दोस्तों 1969 फाइनली इनको सफलता मिल गई और इसी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एजेंसी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक नेटवर्क तैयार किया क्या तैयार किया दोस्तों नेटवर्क आई थिंक अब ये शब्द आप समझने लगे होंगे कि नेटवर्क का मतलब क्या है कि हम नेटवर्क का मतलब है कनेक्ट करना एक दूसरे से ठीक है तो जो एजेंसी अमेरिका के रक्षा विभाग ने बनाई थी उसने एक नेटवर्क तैयार किया और इस नेटवर्क का नाम रखा गया ए एन ई टी आप समझ रहे हो ना इसका पूरा मतलब ए आर पी ए तो ये एजेंसी का नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेट स्पोर्ट में क्या हो जाए वर्क हो जाएगा तो इसे कहा जाता है आरपा नेट कई बार इसे आरपा नेट कहा जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क है एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा एजेंसी से एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहां से आरपा नेट की शुरुआत होती है दोस्तों और यह पहला प्रारंभिक नेटवर्क माना जाता है जिसके द्वारा अमेरिका ने रक्षा विभाग के कंप्यूटरों को जोड़ा और उसके अलावा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और एक उता यूनिवर्सिटी थी इनके कंप्यूटर को भी आपस में जोड़ा तो यहां से इंटरनेट की शुरुआत होगी दोस्तों यहां से क्या हो गई इंटरनेट की शुरुआत हो गई जब आर्पानेट के द्वारा नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाने लगा ठीक है इसके बाद दोस्तों 1972, 1972 में एक डॉक्यूमेंट्री आती है फिल्म का ही एक प्रकार होती है डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम होता है कंप्यूटर नेटवर्क द हेराल्ड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एक डॉक्यूमेंट्री आती है जिसमें बताया जाता है कि कंप्यूटर कैसे इंटरनेट कैसे काम करेगा और इसकी पूरी जानकारी और ये इंटरनेट पर बनने वाली प्रारंभिक फिल्मों में से एक है और इसका चूंकि एक जगह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है इसीलिए मैंने इसको यहां पर फिट कर दिया कि भैया एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जो इंटरनेट के इतिहास को बता रही थी और इंटरनेट के भविष्य को बता रही थी पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेट को डिस्क्राइब कर रही थी अब इंटरनेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों उन्नीस अगला बड़ा काम होता है 1982 में 1982 में फाइनली इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल बना लिए गए और इंटरनेट के प्रोटोकॉल को मानकीकृत किया गया स्टैंडर्डाइज किया गया और सबसे पहले जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल बनाया गया उसे कहा जाता है टी सी पी आई पी क्या कहा जाता है टी सी पी स्लैस आई पी कहा जाता है प्रोटोकॉल क्या होता है समझिए इंटरनेट में आप खुद देखिए दोस्तों कि अभी हमने देखा कि इंटरनेट एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है बहुत सारे तार उसमें जाए हुए हैं बहुत सारे तार हैं अलग अलग नेटवर्क हैं तो यार अब उसको पता कैसे पड़ेगा कि एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से वहाँ ले जानी है तो कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे ना आपको जैसे आज हम हमारे देश में रहते हैं हमारा देश बहुत बड़ा लगभग डेढ़ सौ करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं अगर कोई नियम नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा तो इसी प्रकार दोस्तों इंटरनेट में सही तरीके से चीजें चलती रहें इसलिए इंटरनेट में कुछ नियमों के समूह बनाए गए हैं सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं और इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है और तो 1982 में इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल आ गए जिसके बाद इंटरनेट और भी ज़्यादा डेवलप हो गया तो 1982 में क्या आ गया दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल को स्टैंडराइज कर दिया गया फिर दोस्तों 1986 अब भारत में इंटरनेट की शुरुआत होने वाली है 1986 में क्या हुआ भारत में जितने भी आ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जैसे आईआईटी हो गए या फिर एम्स हो गए आईआईएम हो गए बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करना शुरू किया और इन्होंने क्या किया कि भारत में जितने प्रमुख प्रमुख शोध संस्थान हैं या शिक्षण संस्थान हैं इनको जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया और इसी नेटवर्क को नाम दिया गया इर नेट इंग्लिश में एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क नाम दिया गया जिसे इरनेट कहा जाता है प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में इंटरनेट की प्रारंभिक शुरुआत क्या है तो 1986 में में इरनेट भारत में इंटरनेट की प्रारंभिक शुरुआत है तो इरनेट के द्वारा किया क्या गया कि भारत में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उन सबको जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क को कहा गया एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क और आसान भाषा में उसे इरनेट कहा गया दोस्तों ये दो लोगों ने मिलकर के बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक का विभाग और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन दोनों ने मिलकर के भारत में इरनेट की शुरुआत की थी तो अभी भी इंडिया में इंटरनेट लोगों के लिए नहीं आया है अभी बस प्रयोग चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं एट्टी तक हम पहुँच गए दोस्तों फिफ्टी में ए आर पी एजेंसी को बनाया सिक्सटी नाइन में दोस्तों आरपा नेट की शुरुआत यहां से इंटरनेट शुरू हो गया बहत्तर में कंप्यूटर नेटवर्क नाम की डॉक्यूमेंट्री बयासी में इंटरनेट प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज किया और छियासी में भारत में इरनेट की शुरुआत की गई आगे क्या होता है तो 1989 एटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों 1989 में ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक जो सर्न नाम की प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, सर्च कीजिएगा सर्न एक प्रयोगशाला है दोस्तों तो सर्न नाम की एक प्रयोगशाला में ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था टिम बर्नस ली तो टिम बर्नस ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण कर दिया डब्ल्यू का निर्माण कर दिया सर डब्ल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों डब्ल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो यही वो एक टूल है जिसके द्वारा आप सर्वर की पूरी इंफॉर्मेशन को एक जगह ले जाके एकत्रित करते हो पेज को एक्सेस किया जाता है डब्ल्यू के बारे में अभी हम बात करेंगे कि यह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है यह एक एक सूचना तंत्र है जो सर्वर की जानकारी को एक निश्चित जगह पर लाता है तो डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नस ली के द्वारा 1989 में किया गया बहुत बड़ा आविष्कार था दोस्तों इसी साल 1989 में ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोगों के लिए इंटरनेट खोल दिया गया और अब इसका कमर्शियल यूज होना शुरू हो गया तो लोगों तक अब इंटरनेट पहुंच गया फिर 1990 टिम बर्नसली ने एक और बड़ा काम किया इन्होंने एच के कोड को लिख लिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एच वही लैंग्वेज है जिसके द्वारा www या वेब पेज का निर्माण किया जाता है वेबसाइट्स बनाई जाती हैं तो एक महत्वपूर्ण भाषा है html जिसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो पूछा जाता है दोस्तों कि html की शुरुआत किसने की तो html की शुरुआत टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी जिन्होंने www का आविष्कार किया था दोस्तों चूंकि एच टी एम एल और डब्ल्यू 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 तीनों का अविष्कार सर्ण के द्वारा किया गया कैसे किया गया क्योंकि ली जो थे वो सर्ण के लिए काम करते थे जो कि एक प्रयोगशाला है तो सर्ण ने उन्नीस सौ तिरानबे में नाइनटीन नाइनटी थ्री में सभी जगह पर चीजों को रिलीज कर दिया डब्ल्यू 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 को दुनिया के लिए फ्री कर दिया और एच टी एम एल जो भाषा है वो कैसे बनाई जाएगी यह भी लोगों को बता दिया ताकि दूसरे लोग भी वेबसाइट बनाने लगे और इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे दोस्तों 1993 में ही, 1993 में ही, नाम के एक ने मोजैक नाम, नाम का एक वेब ब्राउजर बनाया जो कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला वेब ब्राउजर है हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात डब्ल्यू 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 है वह भी दुनिया का पहला वेब ब्राउजर माना जाता है कई वेबसाइट में लिखा हुआ है लेकिन चूंकि एग्जाम में मोजेक को ही पहला माना जाता है तो बस यहां पर इतना याद रखना कि मोजेक नाम का एक वेब ब्राउजर बनाया जो दुनिया के पहले वेब ब्राउजर में से एक है अब तो हजारों करोड़ों वेब ब्राउजर हो गए हैं सबसे प्रमुख है गूगल क्रोम ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं उन्नीस टिम बर्नस ली ने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डब्लू सी थ्री सी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें उन्होंने इंटरनेट के लिए कुछ नियम बनाने का प्रस्ताव रखा कि इंटरनेट को किस तरीके से चलाया जाएगा क्या इसके बेसिक रूल होंगे यह डब्लू थ्री सी डिसाइड करता है तो पूछा भी जाता है कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए कौन से संगठन का निर्माण किया गया तो याद रखना दोस्तों डब्ल्यू थ्री सी का निर्माण किया गया वर्ल्ड इसके बाद 1990 में आरपानेट को खत्म कर दिया गया क्योंकि अब जरूरत नहीं थी अब तो इंटरनेट आ ही चुका था अपने शेप में फिर 15 अगस्त उन्नीस बहुत बड़ा दिन दोस्तों बहुत बड़ा दिन 15 अगस्त उन्नीस को फाइनली भारत में भी लोगों के लिए इंटरनेट को खोल दिया गया और भारत सरकार की एक कंपनी हुआ करती थी उस कंपनी का नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड जिसे वी के नाम से जानते थे याद रखना वी नहीं है ये वी है विदेश संचार निगम लिमिटेड तो वी ने 15 अगस्त उन्नीस को भारत में लोगों के लिए इंटरनेट खोल दिया तो उन्नीस में इरनेट भारत में आया था और फाइनली दोस्तों 15 अगस्त 1995 को भारत में लोगों के लिए इंटरनेट को खोला गया और यह इंटरनेट वी एस एन एल नाम की कंपनी भारत लेकर के आई थी जो भारत सरकार की ही कंपनी थी और 2004 में एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप जिसे वा टी डब्ल्यू जी कहा जाता है का निर्माण किया गया ये बेसिकली क्या करते हैं जो एच टी एम एल पर रिसर्च करते हैं अलग अलग वर्जन को लेकर के आते हैं यह सारा काम इनका होता है तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है इंटरनेट की कि किस प्रकार इंटरनेट आगे बढ़ा तो एक बार अगर, अगर अपन चीजों को देखें तो इस तरह से चीजें दिखाई देंगी कि 1957 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक संस्था बनाई या एजेंसी बनाई जिसे एडवांस रिसर्च क्या कहा जा रहा है मैं खुद नाम भूल गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कहा जा रहा है आरपा नाम का एक संस्थान बनाया जो आप देख सकते हैं आरपा नाम के इसी संस्थान ने 1969 में एक नेट का निर्माण मान की। एक नेटवर्क बनाया जिसे कहा गया आरपा नेट ओके हालांकि पर एडमिनिस्ट्रेशन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क ठीक है इसका नेटवर्क बनाया यही से दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत हो जाएगी यहीं से क्या होगी इंटरनेट की शुरुआत होगी स्टार्टिंग ऑफ इंटरनेट 1969 में ठीक यहां तक बातें समझना एक एक करके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं फिर हमने यह देखा दोस्तों कि आगे जाने पर हम ये देखते हैं कि उन्नीस सौ बयासी में इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल बना लिए गए मतलब प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज किया गया प्रोटोकॉल का मतलब पता ही आपको कि इंटरनेट में जो नियमों का समूह होता है सेट ऑफ रूल होता है उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है और सबसे पहले जो प्रोटोकॉल माने जाते हैं वो टीसीपी और आईपी माने जाते हैं ठीक है टीसीपी और आईपी नाम के प्रोटोकॉल बना लिए गए दोस्तों 1986 1986 भारत में इरनेट की शुरुआत होती है इरनेट का फुल फॉर्म है एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क की शुरुआत होती है भारत में ई से एजुकेशनल आर से रिसर्च और नेट का मतलब नेट ही होगा और इसके द्वारा भारत के जो शोध संस्थान और शैक्षिक संस्थान होते हैं उनको जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया जाता है इसके बाद हम आगे बढ़ें तो 1989 में दो बड़ी घटनाएं हुई दोस्तों सबसे पहली घटना टिम बर्नस ली जो कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे और सर्न नाम की प्रयोगशाला में काम करते थे उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया और इसी समय दोस्तों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट को कमर्शियल यूज़ के लिए शुरू कर दिया अर्थात लोगों के लिए इंटरनेट जारी कर दिया आगे जाकर के हमने ये देखा कि 1990 में 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा वेबसाइट बनाने के लिए एक भाषा खोजी गई जिसे एचटीएमएल कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है फुल फॉर्म यार मुझे भी याद नहीं हुई सर जी ठीक है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सही बोल रहा था मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की शुरुआत यहां से की जाती है ओके इसके बाद हमने ये देखा कि उन्नीस में 1993 में जो सर्न है सर्न तो सर्न के द्वारा सबसे बड़ा काम किया गया कि लोगों के लिए www और html फ्री कर दिया कि हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है और दोस्तों सातवें नंबर पर हमें याद रखना है कि 15 अगस्त उन्नीस 15 अगस्त 1995 को भारत की कंपनी भारत सरकार की कंपनी वी एस एन एल अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई और अब इंटरनेट भारत में लोगों के लिए अवेलेबल हो गया भारत में इंटरनेट की जर्नी जो रही है बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ी और एकदम से फिर आगे बढ़ गई अगर आप देखें तो ती, दो तीन साल पुरानी ही तो बात है जब कितने मतलब कितना एवोल्यूशन हमने खुद देखा है मोबाइल में सबसे पहले बहुत बेसिक तौर पर नेट शुरू किया गया कुछ के की स्पीडें आ रही थी हम वो नोकिया के फ़ोनों को चला रहे थे अगर आपको याद हो इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी जब कीपैड फोन पे फिर धीरे धीरे जो मोबाइल कंपनियां थी उन्होंने इंटरनेट के प्लान और सस्ते कर दिए मुझे याद है एयरटेल में जब मैं नेट चलाता था तो एक प्लान आता था कि दस रुपये में एक दिन तक आप अनलिमिटेड इंटरनेट चला सकते हैं एक एक दिन के प्लान होते थे उसके तो इन चीज़ों की शुरुआत हुई फिर एकदम से नेट के प्लान महंगे हो गए एक जी डेटा मिलता था अपन को एक महीने में कितने संभाल के यूज़ करते थे एक जी डेटा कि भाई खर्च ना हो जाए सारी चीज़ें करते हैं और यूट्यूब वगैरह तो उस टाइम पर चलाते नहीं थे क्यों यूट्यूब चलाएंगे पूरा नेट खत्म हो जाएगा तो क्या मतलब है और तब ऑनलाइन एजुकेशन भी इतनी पॉपुलर नहीं थी क्योंकि लोगों तक नेट नहीं था सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन इंडिया में नेट का लेकर के आया है वो आप सभी जानते हैं दोस्तों जियो तेज गति वाला इंटरनेट बहुत कम कीमतों में भारत को मिला है एक साल तक फ्री इंटरनेट था दोस्तों और फिर जो इंटरनेट का रेवल्यूशन भारत में शुरू हुआ तो एक अलग ही इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ गई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ गई और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि फैसिलिटीज़ आ गई आज आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं मेडिसन्स के लिए ऑनलाइन डॉक्टर अवेलेबल करा दिए गए भारत में ई कॉमर्स आगे बढ़ गया गवर्नमेंट ने ई e गवर्नेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को नेट के माध्यम से डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है भारत नेट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इंटरनेट को कनेक्ट किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो पाई क्योंकि भारत में फास्ट इंटरनेट और फास्ट बस जरूरी नहीं होता क्योंकि आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है भारत एक विकासशील देश है तो अगर पता पड़ा यहाँ पर आप फास्ट इंटरनेट लेकर के आए और आपने कहा कि हम एक जी इंटरनेट के पाँच रुपए लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है भारत में आपको अफोर्डेबल इंटरनेट भी चाहिए तो जियो ने भारत में फास्ट और अफोर्डेबल इंटरनेट शुरू किया और वहां से इंटरनेट की क्रांति आ गई और अब आप चीजों को देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से नेट रिवोल्यूशनाइज हो चुका है ओके तो ये पूरी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है ये पूरा बैकग्राउंड था कि किस तरह दुनिया में और भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं एक मिनट का समय दीजिए मैं थोड़ा पानी पी लूँ फिर अपन टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं चलो अच्छा देखो धैर्य बनाए रखना टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और चीजों को समझाना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा टेक्निकल भी है लेकिन एक बार समझ जाओगे तो फिर दिक्कतें नहीं जाएंगी आपको ठीक है धैर्य बना के रखना आराम से चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं ये भी हो गया अब दोस्तों तीसरा जो हमारा टॉपिक है अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में तो अभी तक हमें इतना समझ में आ गया कि इंटरनेट एक नेटवर्क है तो अगर हमें नेटवर्क को, को समझना है तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर नेटवर्क को, को समझना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखें जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आपस में जोड़ा जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है बहुत सिंपल चीज़ है इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम भी है जैसे मान लीजिए कि ये दो कंप्यूटर हैं या चार कंप्यूटर हैं तो इन चारों कंप्यूटर को हमने किसी एक माध्यम के द्वारा या नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया तो इसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे तो सिंपल भाषा में कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है ठीक है ये बात हमें क्लियर हो गई अब दोस्तों है ये बात कि कंप्यूटर जो नेटवर्क हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं इनके बहुत अलग अलग प्रकार हैं ठीक है दो इनके बेसिक प्रकार होते हैं एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क कौन सा नेटवर्क पीयर टू पीयर और दूसरा होता है सर्वर क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क और इस पीयर टू पीयर नेटवर्क को ई कॉमर्स वाले पीयर टू पीयर मॉडल से कंपेयर मत करना यह अलग है और वो अलग है तो दो प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं एक होता है पी टू पी पीयर टू पीयर और दूसरा होता है सर्वर और क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क अब इसका मतलब समझे दोस्तों देखो पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब यह है कि एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के साथ उसका सर्वर भी है सर्वर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं ठीक है और यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर का भी अपना सर्वर है ठीक है और ये दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे पियर टू पियर बोलेंगे लेकिन दोस्तों सर्वर और क्लाइंट बेस्ड कंप्यूटर में क्या होता है कि यहाँ पर एक मेन कंप्यूटर होता है एक मुख्य कंप्यूटर होता है और सिर्फ इसी के पास अपना सर्वर होता है और बाकी जो कंप्यूटर हैं जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर हो गया दो हो गया तीन हो गया और चार हो गए तो ये चार कंप्यूटर तो हैं लेकिन इनके पास अपना खुद का सर्वर नहीं होगा ये चारों कंप्यूटर एक ही सर्वर से चल रहे हैं तो दोस्तों ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें हर एक कंप्यूटर के पास अपना सर्वर होता है उसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है जबकि ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जिसमें एक सर्वर के द्वारा बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है तो उसे हम सर्वर बेस्ड नेटवर्क कहते हैं अर्थात सर्वर आधारित नेटवर्क कहते हैं ठीक है तो ये दो प्रमुख प्रकार हैं, ये दो मेजर टाइप है कि दो ही प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं या तो वो पी टू पी नेटवर्क होगा या सर्वर बेस्ड नेटवर्क होगा ठीक है तो ये दो प्रमुख प्रकार हो गए अब दोस्तों इन्हीं आधारों पर इतने सारे प्रकार के नेटवर्क हैं हजारों टाइप के नेटवर्क होते हैं प्रमुख कौन कौन से हैं एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन कहा जाता है 1. एक है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन कहा जाता है 1. एक है वाइड एरिया नेटवर्क जिसको वैन कहा जाता है यही इंटरनेट है 1. एक है होम एरिया नेटवर्क जिसको हैन कहा जाता है 1. एक कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको पैन कहा जाता है 1. एक है डब्लू लैन जिसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है ऐसे और भी होते हैं जैसे एक कैंपस एरिया नेटवर्क होता है तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं अच्छा यहां इस बात को समझ रहे हो ना कि ये हमने इस प्रकार क्यों लिखा है समझो देखो बेसिक कितने प्रकार का होता है तो बेसिक दो प्रकार का है एक पीयर टू पीयर और दूसरा है सर्वर और क्लाइंट बेस्ड और ये उसके सब टाइप है कैसे जैसे एक एक चीज को समझते हैं सबसे पहले तो ये समझो कि लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है आपको एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है एक मिनट स्क्रीन लेकर के बता देते हैं आपको हम एक शब्द लिखा गया है लोकल ठीक है और फिर क्या है एरिया और तीसरा शब्द क्या है नेटवर्क तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है ऐसा कोई भी इलाका जो सामान्यतः एक किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जैसे यह एक इलाका है और ये कितने इलाके में फैला हुआ है मान लीजिए कि एक किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है अर्थात छोटे से इलाके में फैला हुआ है और दोस्तों यहां पर हम मान लेते हैं कि टोटल कंप्यूटर उपस्थित हैं कितने सिक्स जब आपने इन छह के छह कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया तो इसे आप कहोगे लोकल एरिया नेटवर्क तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब यही होता है एक किलोमीटर या छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया विच इज अराउंड वन किलोमीटर उसमें जितने भी सिस्टम होते हैं उनको कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है ठीक है तो अब दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क भी दो प्रकार का हो सकता है अब इस बात को समझना कि ये यहां पर अलग अलग क्यों है तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो दो प्रकार का हो सकता है या तो उसमें ये हो जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि ये एक किलोमीटर का इलाका है और एक किलोमीटर के इलाके में ये छह कंप्यूटर हैं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया लेकिन ये दो प्रकार के हो सकते हैं या तो ये पीयर टू पीयर हो सकते हैं या फिर ये सर्वर बेस्ड हो सकते हैं समझना जैसे मान लो तो पर हर एक कंप्यूटर के पास अपना सर्वर अवेलेबल हो हर एक कंप्यूटर के पास क्या हो अपना सर्वर अवेलेबल हो और आपस में जुड़े हुए हैं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क तो है क्योंकि ये एक किलोमीटर के इलाके में है लेकिन चूंकि कंप्यूटर के पास अपना खुद का सर्वर है तो इसका पूरा नाम क्या होगा इसका पूरा नाम होगा लोकल एरिया नेटवर्क विद पेयर पी पी नेटवर्क ठीक है ये इसका बेसिक नाम होगा लेकिन दोस्तों इसी उदाहरण को हम ऐसे रख करके देखते हैं कि एक यहां पर हमने लेटर बनाया जिसमें छह कंप्यूटर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स नेटवर्क यहां पर अवेलेबल है तो इसमें अब क्या है कि एक ही कंप्यूटर है जिसके पास सर्वर है ये वाला कंप्यूटर और बाकी के पास अपना सर्वर नहीं है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये कैसा होगा होगा तो ये लोकल एरिया क्योंकि ये छोटे से इलाके में है लेकिन दोस्तों चूंकि यहां पर सिर्फ एक कंप्यूटर के पास सर्वर है इसीलिए हम इसे सर्वर या क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क कहेंगे अब मुझे लगता है कि ये दिमाग में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमने यहां पेयर और सर्वर बेस्ड नेटवर्क लिखा है और क्यों हमने नीचे इस प्रकार का ये डायग्राम बनाया है क्योंकि ये दो बेसिक टाइप होते हैं और ये अदर टाइप होते हैं ठीक है चलो अब एक एक नेटवर्क को पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क की हमने बात कर ली तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब बड़ा आसान था दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नेटवर्क इसमें इथरनेट सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है एक केबल भी आती है दोस्तों ठीक है उस केबल का भी अच्छा नाम है नाम भूल रहा हूं उस केबल का उस केबल का भी लैन ही बोला जाता है उसको लैन केबल ही बोला जाता है उस केबल को ही लैन केबल बोला जाता है तो लैन केबल के द्वारा भी आप कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं ठीक है और ये चीज पता है कहाँ होगी आप किसी कंपनी में जाओगे ना या फिर किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां जड़ने जनरली लैन के द्वारा पूरे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है जितने भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं तो लैन के द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं उनको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है ठीक है तो ये हो गया लैन लोकल एरिया नेटवर्क दूसरा होता है दोस्तों मैन मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो ये ऐसा नेटवर्क है जो 10 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है उसमें जितने भी सिस्टम हैं उनको जोड़ने वाले नेटवर्कों को क्या कहा जाता है तो उसे मैन कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है तो सामान्यतः क्या होता है जैसे एक शहर है तो एक शहर में जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं ना उनको आपस में जोड़ने के लिए जर्नली मैन का उपयोग किया जाता है भारत में इसका उपयोग कम है अमेरिका वगैरह में पहले इसका बहुत उपयोग किया गया तो इसे मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क कहा जाता है ओके okay. तीसरा क्या है दोस्तों वेन वाइड एरिया नेटवर्क सबसे ज्यादा जरूरी वाइड एरिया का मतलब है पूरी दुनिया पूरी दुनिया में दोस्तों पूरे देश के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना हो महाद्वीपों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो या पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना हो तो उस नेटवर्क को कहा जाता है वैन या वाइड एरिया नेटवर्क और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट इंटरनेट क्या है तो इंटरनेट एक वैन है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के नेट कंप्यूटर को कनेक्ट करता है जबकि इंटरनेट आप सकते हैं कि एक प्रकार का लेन था ओके आगे बढ़ते हैं अब है डब्लू लेन जिसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है यह भी अब बहुत चलन में आ गया है तो यह भी लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ही है वायरलेस में क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में हम केबल का उपयोग कर रहे थे वो जो लैंड केबल आती है लेकिन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया कि अब हम बिना केबल के या बिना तार के कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे ठीक है तो बिना वायर के एक क्षेत्र में कंप्यूटरों को जोड़ना ही क्या कहलाता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है अच्छा इसको ना डब्ल्यू लैन को एल ए डब्ल्यू एन भी कहा जाता है लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है एक होता है दोस्तों होम एरिया नेटवर्क तो एक घर में प्रयुक्त जो कंप्यूटर है जैसे हमारा आपका घर है तो घर में जितने भी डिवाइस हैं उनको जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं उसे होम एरिया नेटवर्क कहा जाता है उसी प्रकार से एक कैंपस एरिया नेटवर्क भी होता है जैसे कि आईआईटी वगैरह आपके तो आई

ओके okay? यहां देखें तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है छोटे से इलाके में फैला हुआ है दोस्तों तो ये लोकल एरिया नेटवर्क जनरली एक किलोमीटर के आसपास के इलाके में ये फैला हुआ है ओके okay? और वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरी दुनिया में है आप देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रहा है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट ठीक है ये देखो मेट्रोपॉलिटन तो ये एक शहर है दोस्तों शहर की अलग अलग इमारतें हैं तो शहर के कंप्यूटर को ये जोड़ रहा है तो इसे मेट्रोपोलिटिन एरिया नेटवर्क सामान्यतः दस से लेकर के सौ किलोमीटर के आसपास का इलाका ये कवर करता है यहां पर आप देखें कैंपस तो एक है बहुत बड़ा आई

जाएगा तो होप कि ये बात आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी कि दोस्तों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते जब हम किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है तो आंसर करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है और कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन दो इसके बेसिक टाइप हैं एक है पी2पी और एक है सर्वर बेस्ड नेटवर्क पी2पी में हर एक कंप्यूटर के पास अपना सर्वर होता है जबकि सर्वर बेस्ड नेटवर्क में एक सर्वर के द्वारा पूरे कंप्यूटर जुड़ते हैं फिर हमने इसके दूसरे प्रकारों को डिस्कस किया सबसे पहले हमने लैन की बात की लोकल एरिया नेटवर्क एक किलोमीटर के दायरे में जितने भी कंप्यूटर हैं या छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है वही दोस्तों अगर 100 किलोमीटर तक के इलाके के कंप्यूटरों को जोड़ना है तो उसके लिए मैन अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया के अगर कंप्यूटरों को जोड़ना है तो इसके लिए वैन का इस्तेमाल होता है वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है वहीं अगर घर के नेटवर्क को जोड़ना है तो इसके लिए घर के कंप्यूटरों को जोड़ना है तो होम एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होगा अगर कभी आपको कैंपस के नेटवर्कों को आपस में जोड़ना है तो कैंपस एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होगा और अगर मान लीजिए कि एक किलोमीटर के आसपास के इलाके में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपको बिना तार के जोड़ना है बिना वायर के जोड़ना है तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होगा जिसे लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है तो ये दोस्तों अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण कौन सा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क और यहीं से इंटरनेट निकल करके आता है इथरनेट जो है वो लैन का एग्जाम्पल है और सामान्यतः जो इंट्रानेट होता है वो भी लैन या मैन का ही एग्जाम्पल होता है आगे जाकर के हम इंट्रानेट के बारे में भी बात कर रहे होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट को शुरू करते हैं दोस्तों तो अब हमारे तीन पॉइंट यहां पर हो गए हैं कवर अब हमें आगे बढ़ना है सारी चीजें पीपीटी में है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है अब हम चौथे पॉइंट पर आ रहे हैं पानी पी लेते हैं फिर उसको शुरू करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को चलिए दोस्तों तो अब हम अपने थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक की बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज आपको समझा दूँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब क्या होता है दोस्तों प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब होता है इंटरनेट को चलाने वाले नियमों का समूह बस इतनी सी बात याद रखना इंटरनेट को चलाने के चलाने वाले नियमों का समूह या सेट ऑफ रूल्स को ही क्या कहा जाता है तो सेट ऑफ रूल्स को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है तो अब तक हम समझ चुके हैं कि इंटरनेट की परिभाषा क्या है हमने ये भी समझ लिया कि इंटरनेट कैसे बना और हमने नेटवर्क की भी बात कर ली तो अब हमने नेटवर्क तो बना दिए हमने अलग अलग नेटवर्क बना दिए वाइड एरिया नेटवर्क भी बना दिया तो यहाँ पर एक नेटवर्क मैं बना देता हूँ जैसे ये मान लीजिए कि ये एक 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 कंप्यूटर है ये दूसरा कंप्यूटर है ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठवा अब इन सब के बीच में हमने एक नेटवर्क बना दिया ठीक है तो नेटवर्क तो हमने बना दिया अब दोस्तों हमें हम हमें ये डिस्कस करना होगा कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें भेजना है एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर भेजना है कि हाय हाई नाम की एक इंफॉर्मेशन है वो वाला हाई नहीं हाई वाला है ठीक है तो हाई नाम की एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से इस ये है और इसको मान लेते हैं टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और सिक्स कि इस इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ तक भेजना है तो अब इस जानकारी को इस नेटवर्क का प्रयोग करते हुए कैसे भेजा जाएगा इसके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा और एक नहीं बहुत सारे नियम बनाने पड़ेंगे तो बहुत सारे जो नियम बनाए जाएंगे इन्हीं नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रोटोकॉल कहा जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है तो सिंपल सा आंसर करना कि इंटरनेट में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो नियम बनाए जाते हैं जो नियमों का समूह होता है उसे ही इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है द सेट ऑफ रूल डिज़ाइन टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट इज नॉन एज द प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो हजारों प्रकार के होते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रकार के हैं तो कहना भैया ये बहुत सारे होते हैं हजारों प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं लेकिन तो क्या किया है कि बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गए तो दुनिया भर के जितने भी इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं इनको चार भागों में बांटा है कितने भागों में बांटा है इनको चार भागों में बांटा गया है और हर एक भाग को लेयर कहा जाता है क्या कहा जाता है लेयर कहा जाता है तो पहली लेयर को नाम दिया गया है एप्लीकेशन लेयर क्या नाम दिया गया है एप्लीकेशन लेयर जो दूसरी लेयर है दोस्तों उसे नाम दिया गया है ट्रांसपोर्ट लेयर और जो तीसरी लेयर है उसे नाम दिया गया है इंटरनेट लेयर और चौथी लेयर को नाम दिया गया है लिंक लेयर तो समझ में आ रहा है आपको एक एक स्टेप कनेक्ट करना प्रोटोकॉल क्या है तो इंटरनेट में इंटरनेट में सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए जो नियमों का समूह बनाया गया है सेट ऑफ़ रूल बनाया गया है उसी को हमने प्रोटोकॉल कहा सर कितने प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं भैया हजारों प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं तो हमने क्या किया अगर एक एक प्रोटोकॉल पढ़ते तो परेशान हो गया तो दुनिया में जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं हमने उनको चार भागों में बांट दिया और हर एक भाग को लेयर कहा जाता है तो चार लेयर होती है एक होती है एप्लीकेशन लेयर फिर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर एप्लीकेशन लेयर में उन प्रोटोकॉल को रखा जाता है जो ढांचे को तैयार करते हैं कि कैसे सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में उन प्रोटोकॉल को रखा जाता है जो सूचना के आदान प्रदान का काम करते हैं इंटरनेट लेयर में उन प्रोटोकॉल को रखा जाता है जो जानकारी देते हैं कि कौन सी सूचना कहाँ जानी है कैसे जानी है और लिंक लेयर में उन प्रोटोकॉल को रखा जाता है जो सूचना को अंततः व्यक्ति तक पहुँचाते हैं तो इस तरह से दुनिया भर के प्रोटोकॉल को चार भागों में बांट दिया सर बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं क्या हमको पूरे के पूरे प्रोटोकॉल पढ़ने हैं नहीं दोस्तों हमें कुल मिला के दस प्रोटोकॉल के नाम पता होने चाहिए और तीन चार प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है वो खुद आईपी पी एड्रेस के रूप में होता है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है वर्जन फोर जो हम यूज कर रहे हैं वाइडली और वर्जन सिक्स जिसका हम इस्तेमाल करने लगे हैं और जो फ्यूचर का प्रोटोकॉल है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जैसे एप्लीकेशन लेयर में एच आता है एच आता है एच का संशोधित रूप है टेलनेट आता है एफ फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एस पी और गोफर आते हैं डीएनएस आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी आता है यूडीपी आता है डीसीसीपी सी आरएसवीपी आर आता है इंटरनेट लेयर में आईपी पी आई -पी फोर आई सिक्स यही आते हैं लिंक लेयर में एआरपी पीपीपी मैक इथरनेट वाई फाई आते हैं तो ऐसा हमको पूरे याद नहीं रखना ये बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिए ये वो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होता है दोस्तों टी सी पी आई पी ये एक साथ काम करता है तो इसको टी सी पी आई पी कहा जाता है याद है शुरू में हमने पढ़ा था हमने विंसेंट सर्फ के बारे में पढ़ा था विंसेंट सर्फ और हमने डिस्कस किया था कि विंसेंट सर्फ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेट शब्द दिया था और दूसरा काम इन्होंने किया था कि टीसीपी और आईपी जो कि सबसे पहला प्रोटोकॉल माना जाता है इसके निर्माण में सहायता की थी इस कारण से ही हम उन्हें क्या बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल है दोस्तों वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है टीसीपी का फुलफॉर्म पूछा गया है तो याद रखना ट्रांसमिस प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस तो हम सभी लोग जानते ही हैं आईपी एड्रेस कुछ नहीं होता जितनी भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती हैं मतलब कुछ नहीं होता का मतलब वो नहीं है जितनी भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती हैं है, तो हर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है तो दुनिया में जितनी भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ सकती हैं हमारा मोबाइल फोन हो लैपटॉप हो टैबलेट हो कोई कैमरा हो कोई आईपॉड हो तो कोई प्रिंटर हो कोई फैक्स मशीन हो हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है और उसी एड्रेस से इंटरनेट के इस पूरे के पूरे जाल में उसकी पहचान निर्धारित होती है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल फिर एक होता है यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इनके बस फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एक होता है पी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अगला है एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ईमेल में उपयोग किया जाता है एक है एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होता है एच टी टी पी एच टी टी पी एस बहुत ज्यादा फेमस है इनको भी आपके वो टिम बर्नस लीग के द्वारा ही शुरू किया गया था एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये पहले हम उपयोग करते थे अब सिक्योर बनाने के लिए हम हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड यूज कर रहे हैं जब भी आप वेबसाइट खोलोगे ना तो आप देखना वगैरह की वेबसाइट खोलोगे तो वहां एच लिखा रहता है वो सिक्योर्ड कहलाता है एच थोड़ा कम सिक्योर प्रोटोकॉल था ठीक है आगे पढ़ेंगे हम ये क्या होते हैं क्या नहीं होते तो। एक है टेलनेट और फिर है गोफर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है अब हमें किसके बारे में बात करनी है तो दोस्तों तो हमें बात करनी है नेट प्रोटोकॉल आईपी के बारे में चलिए बात करते हैं आईपी क्या है आईपी को समझना शुरू एक एक प्रोटोकॉल को समझना शुरू करते हैं तीन चार बस हैं तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे टीसीपी कहा जाता है और याद रखना टीसीपी कभी अकेले काम नहीं करता यह हमेशा आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर के काम करता है इसलिए कहीं पर भी आप देखोगे तो हमेशा यह ऐसे लिखा रहता है टीसीपी आईपी ठीक है एच टी एम एल एक बार मैं बता दूंगा ठीक है कि वो एच टी टी पे नहीं थे वो कोई और था मैं बता दूंगा कि कौन था। देख करके। तो टी सी पी आई पी इस तरीके से इसको लिखा जाता है 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 तो इसका फुल फुल फॉर्म फॉर्म क्या टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल चलो इसको पढ़ते हैं और फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं और अगले टॉपिक पर आ जाएंगे दोस्तों टीसीपी किसी भी संदेश को किसी भी संदेश को पैकेटों की श्रृंखला में विभाजित करता है अब समझो वो आई लव यू बाबू वाला आपको याद है तो आई लव यू बाबू एक संदेश था तो वो पूरा का पूरा नहीं जाता इंटरनेट पर सबसे पहले टीसीपी नाम का एक प्रोटोकॉल आएगा तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर फिर से लिख देते हैं आई लव यू बाबू ठीक है अब ये पूरा का पूरा क्या है एक सेंटेंस है दोस्तों तो सबसे पहले जो टीसीपी नाम का प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो इस आई लव यू बाबू को छोटे छोटे भागों में तोड़ देगा और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे पैकेट बोलेंगे तो टीसीपी प्रोटोकॉल ने क्या किया इन सबको अलग अलग पैकेट में डिवाइड कर दिया लेकिन ये बताओ अगर इनको हम आपस में ना जोड़े तो, तो दिक्कत हो जाएगी होगी कि नहीं होगी पता पड़ा आई

आई लव यू बाबू को तोड़ा था इसको वापस से एक मैसेज बनाएगा और फाइनली रिसीवर के पास भेज देगा तो ये टीसीपी का सबसे बड़ा काम होता है ये क्या होता है टीसीपी का सबसे बड़ा काम होता है कि जो संदेश उसे दिया जाएगा सबसे पहले उसे वो पैकेट में डिवाइड करेगा और आखिर में फिर उनको मर्ज करेगा और रिसीवर के पास भेज देगा ठीक लेकिन इसमें क्या होता है टीसीपी के साथ एक समस्या है अब टीसीपी को यह भी तो पता होना चाहिए कि उसे कहां भेजना है उसने संदेश को तोड़ा उसने आई लव यू बाबू को तोड़ दिया और बाद में उसने आई लव यू बाबू को जोड़ दिया ठीक है यह काम तो उसने कर दिया लेकिन भैया उसे यह नहीं पता कि कहां भेजना है ठीक है तुम्हें सच में बाबू सोना के पास भेजना है कि बाबूजी के पास भेजना है कि माताजी के पास भेजना है नहीं पता तो इसमें उसकी मदद करता है आईपी जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बता देता है कि तुम्हें यहां पर भेजना है भैया यहां पर जाकर के आई लव यू बाबू लिख करके आओ ठीक है थीके? तो इसीलिए टीसीपी और आईपी को साथ में लिखा जाता है और दोनों मिल करके काम करते हैं अलग अलग काम नहीं करते तो आई थिंक अब यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो टीसीपी किसी टी भी संदेश को पैक्टों की श्रृंखला में तोड़ता है और गंतव्य पर पहुंचने पर वह फिर से मूल रूप में हो जाता है यह अपना कार्य आईपी के साथ मिलकर करता है जो प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट नाम निर्धारित करता है इसलिए इसे टीसीपी आईपी कहते हैं क्लियर क्लियर हो गया टीसीपी क्लियर हो गया आईपी क्लियर हो गया अच्छा आईपी का मतलब समझ लो ना आईपी हर एक डिवाइस ऐसी हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ सकती है उसका पता होती है उसका एड्रेस होती है इसको कुछ ऐसे समझो आप लोग यहाँ पर मैंने कुछ दिया है क्या हाँ इसको कुछ ऐसे समझो आप लोग ध्यान दो उस चीज़ पे कि अब दोस्तों क्या हुआ इंटरनेट का उपयोग करने वाले हजारों करोड़ों लोग आ चुके हैं दुनिया में ये भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हजारों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट का एक बहुत ही ऐसा बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कहें ऐसा कुछ ऐसा कुछ जाल बना हुआ है ऐसा कुछ जाल बना हुआ है मतलब बहुत ही खतरनाक एक जाल बना हुआ है तो उसमें समस्या ये आने लगी कि हमें एक इंफॉर्मेशन एक नाम है ए और यह है बी तो ए को एक इंफॉर्मेशन बी के पास भेजनी है राइट ए को एक इंफॉर्मेशन बी के पास भेजनी है। अब इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कैसे ये इंफॉर्मेशन बी तक पहुंचे तो इसी कारण दोस्तों आईपी का निर्माण किया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया तो कहा गया कि ये जो ए है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है इसको एक एड्रेस दे दो इसको एक एड्रेस दे दो और एड्रेस कैसे दिया जाएगा ऑब्वियसली बात है नंबर में दिया जाएगा क्योंकि सारा काम अंकों में हो रहा है तो पहले अंकों में दिया जाता था अब तो अल्फाबेट में भी दिया जाता है तो इसको एड्रेस दे दिया इसे मान लो हमने दे दिया एक सौ तेईस कुछ उसको नहीं दे, दे कुछ भी दे दिया ठीक है और अभी ये भी दे सकते हैं वन फोर थ्री भी दे सकते हैं चाहे तो और हमने बी को भी एड्रेस दे, दे दिया इसको दे दिया हमने एक सौ पैंतालीस एक सौ अड़तालीस कुछ भी दे दिया मतलब ऐसा टेक्निकल इतना नहीं है पर हमने इसको एड्रेस दिया तो अब चूंकि इसे पता है 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 कि हमें यहां से वहां भेजना है और इसके पास एड्रेस तभी जाकर के जानकारी सही जगह पर लोकेट होगी तो आईपी एड्रेस और कुछ नहीं आपकी डिवाइस का पता है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो आईपी एड्रेस के द्वारा ही आप चीजों को जोड़ पाते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे कि आईपी चार प्रकार का होता है पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, और अब आईपी एड्रेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सबसे पहले जब आईपी एड्रेस शुरू हुआ था तो बेसिक फॉर्म में शुरू हुआ था एक या दो के रूप में अंक दिए जाते थे लेकिन दुनिया में जो उपकरण हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो अब आईपी एड्रेस की कमी पड़ने लगी तो सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन फोर लॉन्च किया गया और अब चूंकि डिवाइस की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है तो अब इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन सिक्स लॉन्च कर दिया है क्यों कर दिया यह सारी बातें मैं आपको बताता हूं देखो आई समझ गए ना तो आई का सिंपल सा मतलब क्या है यह इंटरनेट से जुड़ी हुई हर एक डिवाइस का एड्रेस होता है इंटरनेट से जुड़ी हुई किसी भी डिवाइस का यह बात तो आप समझ गए अब पहले हमने क्या किया दोस्तों सबसे पहले मान लो हमने एड्रेस दिया कि हम एक इंटरनेट डिवाइस को एड्रेस देंगे एक दूसरे को दे दिया दो तीसरे को दे दिया तीन चार तो ऐसे में ना बहुत दिक्कत होने लगी कि यार ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो रही कुछ करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों 1970 में में 1970 में इसका एक निकाला गया और वर्जन फोर को पेश किया गया आईपी वर्जन फोर को पेश किया गया और आईपी वर्जन फोर जो है ये बेसिकली 32 अंकों का एक नंबर है जिसे 32 बिट भी कहा जाता है क्या कहा जाता है 32 बिट भी कहा जाता है बत्तीस अंकों का या 32 बिट का एक नंबर होता है ठीक है अब इसमें क्या होता है ये जो 32 होता है ना तो 32 बिट का नंबर होता है 32 अंकों का एक नंबर है कुछ इस प्रकार से ये देखो 32 अंक हैं 8 8 के चार भागों में बटे हुए हैं तो 32 बाइट हो जाएंगे बिट हो जाएंगे और चार बाइट हो जाएंगे तो ये 8 8 के भागों में चार 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 बिट बन जाते सिंपल सी बात ये याद रखो कि 1970 में इंटरनेट प्रोटोकॉल फोर को लॉन्च किया गया ये एक ऐसा आईपी एड्रेस था जिसमें बत्तीस अंक होते हैं थर्टी टू डिजिट होते हैं और इन्हीं अंकों को बिट कहा जाता है तो कई बार इसे थर्टी टू बिट वाला एड्रेस भी कहा जाता है प्रश्न बड़ा सिंपल आएगा कि आईपी एड्रेस आईपी फोर या इंटरनेट प्रोटोकॉल फोर में कितने अंक होते हैं या कितने बिट होते हैं तो 32 बिट होते हैं इसे लॉन्च कब किया गया 1970 में लॉन्च किया गया और दोस्तों ये जो 32 अंक होते हैं ना इनको 8-8 के समूह में बांटा जाता है तो एक समूह 8 का बन जाएगा फिर दूसरा समूह 8 का बन जाएगा तो 8 1 8 8 2 सोलह 8 3 24 और 8 4 32 तो 8 8 के चार समूहों में बांटा जाता है और इन्हीं समूहों को कहा जाता है कि ये फोर बाइट्स है ठीक है तो थर्टी टू बिट चूंकि बत्तीस अंक है और इन्हें हमने चार समूहों में बांट दिया तो फोर हो जाएंगे बाइट्स ठीक है तो 32 बिट और 4 बाइट्स का नंबर होता है कुछ इस प्रकार ये देखो ये एक आईपी है तो यहां पर हमको कुछ ऐसा अच्छा बाइनरी में होता है 0101 के फॉर्मेट में होता है हमेशा क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी को ही रीड करता है तो जितने भी आईपी एड्रेस है वो बाइनरी के फॉर्म में बनाया गया है दोस्तों यहां पर तो ये देखें ये एक बिट हो गई ये एक आ, ये हो गया आठ ये हो गए आठ ये हो गए आठ और ये हो गए आठ टोटल कितने हो गए बत्तीस और हमें किस रूप में दिखता है तो हमें इस रूप में दिखता है डीएनएस के फॉर्म में दिखता है आपको एक सौ बहत्तर दशमलव सोलह कुछ इस रूप में हमको दिखाई देता है अच्छा और यहां पर ना एक डॉट का इस्तेमाल किया जाता तो ये चीज हो गई आईपी के बारे में अब दूसरा दिक्कत क्या आने लगी कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि उन्नीस में आईपी के फोर्थ हमने वर्जन को लॉन्च किया और इसमें कितने अंक रखे हमने तो इसमें कुल हमने 32 अंक रखे इन 32 अंकों को हमने 8 8 8 के चार समूहों में बांट दिया तो ये तो क्लियर हो गया अब हुआ ये दोस्तों कि धीरे धीरे करके ये नंबर कम पड़ने लगे क्योंकि दुनिया में इंटरनेट से जुड़ने वाली डिवाइसेस की संख्या कम पड़ने पड़ी ये ऐसी ही बात है आपको याद है सबसे पहले मोबाइल नंबर नाइन से शुरू हुआ करते थे पंचानवे नब्बे यहां से शुरू हुआ करते थे फिर दोस्तों भारत में मोबाइल यूजरों की संख्या बढ़ने लगी तो जो नंबर नौ से शुरू हो रहे थे अब उनकी कमी आ गई तो गवर्नमेंट ने आठ से नंबर शुरू करना शुरू कर दिया फिर और कम हो गए तो गवर्नमेंट ने सात से नंबर शुरू करना कर दिया और अब हम छह से भी नंबर शुरू करने लगे तो ऐसा ही आई एड्रेस के साथ हुआ कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्जन फोर किया था अब नंबर्स कम पड़ने लगे। तो आगे जाकर के एट में 1998 में, अंठानवे में इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन सिक्स को लॉन्च किया गया किसको लॉन्च किया गया वर्जन सिक्स को लॉन्च किया गया छठवे इसके संस्करण को लॉन्च किया गया और इसमें इस बार रखे गए टोटल 128 अंक जिसमें अल्फाबेट बिट भी शामिल थे टोटल वन ट्वेंटी नहीं होगा सॉरी 128 अंक रखे गए जिनको 128 बिट भी कहा जाता है तो 128 बिट रखे गए और दोस्तों इनको भी कुछ भागों में बांटा गया तो 16 के 8 8 के 8 इस बार कोलन का उपयोग किया जाएगा आठ आठ के ऐसे सोलह भागों में बांटा गया तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लू गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं आठ छो अड़तालीस की आठ चार आठ चार बारह ठीक है तो आठ 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 के सोलह भागों में बांट 128 बिट दोस्तों इसमें शामिल हैं और वहीं 16 इसमें बाइट शामिल है ठीक है सोलह बाइट शामिल है तो बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है एक बार फिर से सारी चीजों को मैं कर देता पहली चीज़ आपसे पूछेगा आईपी एड्रेस क्या होता है तो आईपी का फॉर्म बता देना इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ये हो गया पहला आंसर दूसरा पूछेगा आईपी क्या होता है तो बता देना इंटरनेट से जुड़े हुए उपकरणों का एक विशिष्ट पता होता है विशिष्ट पता स्पेसिफाई एड्रेस द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट फिर तीसरा पूछेगा वो दूसरा प्रश्न पूछेगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के कौन कौन से वर्जन हैं तो एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन फोर और दूसरा है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन सिक्स अब ध्यान से समझना हमेशा ये प्रोटोकॉल बाइनरी कोड पर बनाए जाते हैं जीरो वन जीरो वन के फॉर्मेट में बनाए जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर दोस्तों बाइनरी भाषा को ही समझ सकता है अब यहां पर चीजों को समझें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर को 1970 में डेवलप किया गया था और वर्जन सिक्स को उन्नीस में डेवलप किया गया दोस्तों आईपी आईपी एड्रेस का वर्जन जो 4 है इसमें आप याद रखें कि 32 बिट होती है जिन्हें आठ आठ के चार भागों में बांटा जाता है तो 32 बिट और चार बाइट्स हो जाएंगी ठीक है 32 अंक मान लीजिए उसको इस तरीके से मान सकते हैं वही दोस्तों आईपी एड्रेस छे में या वर्जन सिक्स में 128 बिट होंगे, जिनको 8-8 के 16 भागों में बांटा जाएगा तो इसको 16 बाइट्स बोला जाएगा तो ये चीज आपको याद रखनी है आई सिक्स जो है वो भविष्य का इंटरनेट प्रोटोकॉल है और अब इस प्रोटोकॉल को भी प्रोवाइड किया जाने लगा है क्योंकि तो डिवाइसेस की संख्या दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है तो यह बातें इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में याद रखना है आईपी के बारे में याद रखना है सारी बातें लिखी हैं आईपी सबसे ज्यादा उपयोग वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल है देखिये तो बत्तीस बिट फॉर्मेट में होता है इसे डॉट से अच्छा एक और अंतर याद रखना कि दोस्तों जो आईपी फोर है इसमें डॉट का उपयोग किया जाता है और जो आई पी सिक्स है इसमें कॉलन का उपयोग किया जाता है तो यह भी अंतर आपको याद रखना है कि डॉट का इस्तेमाल आई पी फोर में किया जाता है आई पी सिक्स में कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है सारी चीजें मैंने यहां पर लिख करके दे दी है ठीक है अब अगर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल फोर का उपयोग कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप चार दशमलव तीन अरब चार दशमलव तीन अरब डिवाइसेस के लिए पते बना सकते हैं लेकिन अगर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 340 अनडिक्लाइन पॉसिबल एड्रेस मतलब इतने एड्रेस हो जाएंगे कि अभी तो हमें आईपी का अगला संस्करण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो आईपी एड्रेस फोर में दिक्कत तो यहीं पर आई थी दोस्तों क्योंकि डिवाइसेस ज्यादा होने लगी तो पते कहां से लेकर के आओगे जिस तरह से भारत में मोबाइल यूजर की संख्या बढ़ी तो पहले हम सिर्फ नौ अंक का इस्तेमाल कर रहे थे फिर आठ से शुरू होने वाले मोबाइल नंबर आ गए फिर सात से फिर छह से शुरू होने वाले मोबाइल नंबर तक आ गए तो यह चीज याद रखनी है ओके चलिए अब दोस्तों जो आई एड्रेस है ये चार प्रकार का होता है एक पब्लिक आई एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस सिर्फ इतनी बात याद रखो कि इसमें दो ही पूछे जाते हैं एक डायनेमिक और स्टैटिक तो डाय डायनेमिक का मतलब होता है एक ऐसा आईपी एड्रेस जो बार बार बदलता रहे और स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि एक बार अगर मान लीजिए कि ये मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन को एक बार हमने कोई निश्चित आईपी एड्रेस दे दिया तो दोबारा इसे नहीं बदला जाएगा तो स्टैटिक का मतलब है ऐसा आईपी एड्रेस जिसे बदल नहीं सकते और डायनेमिक का मतलब होता है ऐसा आईपी एड्रेस जो बार जाता है तो यह बात बस आपको याद रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लें। हम दो प्रोटोकॉल डिस्कस कर चुके हैं टीसीपी और आईपी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में ओके चलो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो इस प्रोटोकॉल का उपयोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है तो बस इतना ही याद रखो दोस्तों जितनी भी फाइल हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बेचते हैं तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटोकॉल तो का मतलब आपको पता ही है नियम होता है ठीक है रिवाइज भी करा देंगे भी परेशान मत होना ओके और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर अगला है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एस एम टी पी तो ईमेल करने के लिए दोस्तों ईमेल भेजने के लिए एस एम टी पी का इस्तेमाल किया जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल को ट्रांसफर करने के लिए और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है फिर दोस्तों अगला है प्रोटोकॉल एच टी टी पी समझते हैं इस बात को वेब सर्वरों से डेटा को आदान प्रदान करने के लिए जो नियम तय किए जाते हैं तो बेस प्रोटोकॉल के आधार पर वेब ब्राउजर पता लगाता है कि डेटा के साथ कैसा व्यवहार करना है बस इतनी चीज आपको यहां पर याद रखनी है एच टी ये बताता है कि डेटा किस प्रकार से इस वेब ब्राउजर तक पहुंचेगा कैसे उसको दिखाया जाएगा ये सारी बातें एच के द्वारा बताई जाती हैं। दोस्तों याद रखें कि एच जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे तो वो एच से शुरू हुआ करती थी लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी खामियां सामने आने लगी तो इस चीज को बदला गया और इसका उसको अपडेट किया गया और अपडेट करने के बाद एच लाया गया जिसे कहा जाता है हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड लाया गया ताकि चीजों को और बेहतर बनाया जा सके ठीक है तो एच प्रोटोकॉल यह बताता है कि डेटा के साथ एक वेब ब्राउजर कैसा व्यवहार करेगा कैसे उसे दर्शाएगा यह सारी बातें बताता है अगला प्रोटोकॉल है दोस्तों यूएसएसडी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार एग्जाम में यूएसएस डी का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा ठीक है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा याद रखना अब ये पता है कहां पर इस्तेमाल होता है आपने बहुत सारे ऐसे ये टेलीफोन में इस्तेमाल होता है टेलीफोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे बहुत सारे नंबर देखे होंगे जो स्टार से शुरू होते हैं और हैच पे खत्म होते हैं ऐसे आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे जैसे स्टार डबल नाइन हैच तो ऐसे जो नंबर होते हैं ना इन नंबरों के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है उसे USSD कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा प्रोटोकॉल कहा जाता है तो ये याद रखना ये खास तौर पर आप देखें तो टेलीफोन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो जैसे जितने भी हम मोबाइल बैलेंस का पता लगाते हैं अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा पता लगाते हैं तो इन सभी चीजों का पता करने के लिए हम यूएसएसडी का इस्तेमाल करते हैं विच अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा ठीक है तो ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया है प्लीज इसको याद रखना तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में भी सारी बातों को डिस्कस कर लिया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है तो हमने कहाँ से शुरू किया था हमने शुरू किया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों के समूह को कहा जाता है सेट ऑफ रूल को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है सबसे पहली बात हमने ये देखी थी फिर हमने ये देखा था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को चार अलग अलग भागों में बांटा गया है जिनको लेयर कहा जाता है पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर एक होती है ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट लेयर एक होती है इंटरनेट लेयर और एक होती है लिंक लेयर फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल की बात की तो सबसे पहले हमने टीसीपी, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फुल फॉर्म बोल रहा हूँ बार बार सॉरी गाइस ओके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को डिस्कस किया हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये क्या करता है तो ये जानकारी को छोटे छोटे भागों में बांटता है जिनको पैकेट कहा जाता है और वापस से जानकारी को इंटीग्रेट करता है फिर दोस्तों हमने बात की आई जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है आई एक विशेष पता होता है एक स्पेशल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का जो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है आईपी के भी हमने दो रूप देखे एक आईपी वर्जन फोर और एक हमने देखा आई पी वर्जन सिक्स आई पी वर्जन फोर उन्नीस में डेवलप किया गया था इसमें बत्तीस अंक होते हैं जिनको आठ आठ के चार समूहों में बांटा जाता है तो टू इसमें बिट होते हैं फोर इसमें बाइट्स होते हैं वहीं दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्स इसे उन्नीस में डेवलप किया गया इसमें एक अंक होते हैं जिन्हें आठ आठ के सोलह समूहों में बांटा जाता है वन बिट होते हैं जिनको सिक्सटीन बाइट्स में डिवाइड किया जाता है फिर हमने एक और पढ़ा जिसे हमने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एफ का इस्तेमाल किया जाता है एक और महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है एच और इसी का अपडेटेड वर्जन है एच टी टी पी एस हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट क्या था यार ये फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो यह बताता है कि एक वेब ब्राउजर डेटा को किस तरीके से प्रदर्शित करेगा और इसका अपडेटेड वर्जन है ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये इसका क्या है है अपडेटेड वर्जन इसी तरह हमने एक एस एम टीपी की भी बात की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की भी हमने बात की और आखिरी में हमने एक और प्रोटोकॉल डिस्कस किया यूएसएस जो क्या करता है दोस्तों जो टेलीकॉम सेवाओं के टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा दिया जाता है स्टार और है जैसे जो नंबर शुरू होते हैं उनके बारे में तो इन अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा प्रोटोकॉल तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने प्रोटोकॉल वाले अध्याय में देख ली चलिए 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे दोस्तों तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अच्छा दोस्तों एक काम करते हैं इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बाकी चीज़ें हम कल कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि फिर वो अगला पार्ट काफ़ी बड़ा है तो कल के लेक्चर में डेढ़ घंटे का लेक्चर और होगा और ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तो इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों अगर आप अन का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कोड का इस्तेमाल करें एस लाइव और बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच